नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेड अप स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कमांड हॉस्पिटल। जी हाँ, आर्मी में भर्ती आई है, कमांड हॉस्पिटल में भर्ती आई हुई है, वार्ड सहायिका की और हेल्थ इंस्पेक्टर की। तो इस वीडियो में हम खास देखने वाले हैं कितनी पोस्ट पाए है और कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म होता है और बहुत कम ही लोग इस फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नया आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से सब्सक्राइब भी कर देना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको लिखा होगा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, कोई भी डेपुटेशन नहीं है। डेपुटेशन मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कहीं सर्विस कर रहे हो तो आप दोबारा कहीं और सर्विस करना चाहते हैं, जैसे होता है ट्रांसफर हो गया, वो डेपुटेशन होता है। मगर यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, मतलब कि आप पहली बार सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो। सिविलियन है, कोई भी आर्मी लेवल, आर्मी आर्मी वाली नहीं है, कोई दौड़ वगैरह नहीं है, सिविलियन के लिए है, कोई आपको वर्दी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड में आई हुई है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है। तो फॉर्म आपको भेजना है चांदी मंदिर हरियाणा में, ठीक है, ये इसका पिन कोड है। और 45 दिन, जैसे कि ये 9 अप्रैल की एडवर्टाइजमेंट है, 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल, अप्रैल तो पूरा आपको मिलेगा, उसके बाद अब मई तक इसकी लास्ट डेट है। तो मई तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, पोस्ट कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी आई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो आपकी वैकेंसी आई है वो आई है वार्ड सहायिका पे, यहाँ पर लिखा हुआ है वार्ड सहायिका, और आपकी आई है हेल्थ इंस्पेक्टर। तो वार्ड सहायिका की देखिए अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग सिटी वाइज आई है, जहाँ जहाँ भी ये हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वहाँ आई है। तो ये पठानकोट में आई है, पठानकोट में आपकी 6 वैकेंसी आई है टोटल, और आपकी ये लेवल 1 की है, जो वार्ड सहायिका की है लेवल 1 की है। लेवल 1 मतलब कि आपकी 1800 गेट पे, 1800 गेट पे है, मतलब तब भी आपकी सैलरी देखा जाए तो आपकी 25,000, और आपको सब कुछ सुविधा मिलेगी सेंट्रल की, कैंटीन वगैरह मिलेगा आर्मी का, आर्मी की फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो आप अच्छी जॉब है। इसकी क्वालिफिकेशन देख लिया जाए तो आपको कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेट्रिकुलेशन, और आपको कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे दाई का, दाई के ना फैमिली विंग हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, कहीं पर भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, तो आप वहां से कर सकते हो। तो ये वार्ड सहायिका है, जिसको हिंदी में लोग दाई कहते हैं, वहाँ की है। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ आई है। तो पठानकोट आई है, ये आई है गुरदासपुर में, दिल्ली में भी आई है, यहाँ यहाँ भी दिल्ली में है, चांदी मंदिर हरियाणा में भी आई है, अम्बाला में भी है, और अमृतसर में भी है, बकलोर में भी है, जालंधर में भी है, पटियाला में भी है, योल में भी है, संबा में भी है। और ये अब यहाँ से देखिए, जो वार्ड सहायिका की थी यहाँ तक वैकेंसी खत्म हो गई, अब आती है हेल्थ इंस्पेक्टर की। तो हेल्थ इंस्पेक्टर में जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो मैं बता दूँ, और उसकी सैलरी क्या होगी वो भी बता देता हूँ। तो ये लेवल 4 की है, लेवल 4 मतलब कि आपकी 2400 ग्रेड पे की है, 2400 ग्रेड पे मतलब कि आपकी सैलरी जो आपकी बन जाएगी वो करीब 40,000 प्लस बन जाएगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है मैं बता दूं आपको, पहले तो आपको हाई स्कूल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, एक कोर्स होता है, इस कोर्स को अगर आपने किया हुआ है तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। और आपको एक मतलब कि मांगी गई है, इच्छा रखी गई है कि अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है सैनिटरी में, या इंस्पेक्टर इन एनी सेंटर, या पहले से कहीं जॉब करे हैं प्राइवेट में इस पद पे हेल्थ इंस्पेक्टर की, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर पोस्ट आई है। तो आई है पटियाला में 2, उसके बाद गुरदासपुर में 2, दिल्ली में 2 आई है, योल में 2 आई है, पठानकोट में 2 आई है, जम्मू में 1 आई है, अम्बाला में 1, चांदी मंदिर में 1, कैंट में, दिल्ली कैंट में 1, फिरोजपुर में 2, जालंधर में 1, सुकार बस्ती में 2। टोटल 70 पोस्ट आई है, टोटल 70 वैकेंसी आई हुई है, तो काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो आपको यहाँ पर वो सारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं मिलेगी, सेंट्रल की छूट भी मिलेगा, जैसे कि आपको EWS वाले, एक्स सर्विसमैन वाले, OBC, ST सब इसमें काउंट किया जाएगा। देखिए अभी इसकी एग्जामिनेशन की कोई डेट नहीं बताई गई है, मगर जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, अगर आपका फॉर्म वगैरह सब कुछ सही रहेगा तो आपको एक कॉल लेटर आएगा और उसमें आपको डेट बता दी जाएगी। देखिए यहाँ पर डेट दिया गया है कि 45 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर के भेज देना है, और यहाँ पर कोई भी अगर डिले होगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ये बोल दिया गया कि अगर आप कहीं से, इस पॉइंट में बोला गया पॉइंट नंबर C में, अगर आप पहले से कहीं वर्किंग कर रहे हो तो वहाँ से आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके पास होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि और क्या क्या डिटेल।
इस वीडियो में हम पूरी डिटेल देखेंगे, ए टू जेड जो भी आपको डिटेल की जरूरत होती है वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। अब जैसे कि यहाँ पर आप अगर आप भर्ती हो जाओगे तो आपको न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी। जैसे आर्मी में जो पेंशन मिलती है वो पेंशन नहीं होगी, आपको एनपीएस मिलेगा। एनपीएस में जो आपका कटता है बेसिक और डीए वो आपको आगे पता चल जाएगा। जो ये नंबर ऑफ पोस्ट है वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती है, ये भी पॉइंट में लिखा है। एक नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपका जो कॉल होगा रिटर्न का भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा आपका। और जी नंबर में लिखा है पोस्ट ऑफ कैडेट ऑल इंडिया सर्विस लेवल टी, मतलब कि आपको इंडिया के अंदर कहीं पे भी पोस्टेड किया जा सकता है, मगर आपको हॉस्पिटल में ही पोस्ट किया जाएगा, आप सिविल में होगे। देखिए अब इसके फीस कितनी लग रही है, तो फीस मैं बता दूं आपको पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और उसमें आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा कमांड हॉस्पिटल विंग चांदी मंदिर पंचकुला हरियाणा, ये आपको पिन कोड देना पड़ेगा, और आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो उसमें लगानी पड़ेगी अलग से। और जो फीस होगी फीस विल बी एक्सेप्टेड एज पर गवर्नमेंट इंडिया प्रोविजन, जो भी फीस है वो लगेगी। और आपकी जो भी आपका डेट ऑफ वो भी होगा उससे पहले का होना चाहिए, जैसे कि आपकी 9 अप्रैल से है तो आपको यहाँ से 45 दिन दिया गया, इसके 45 दिन के अंदर ही आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह लिखा हुआ है कि कॉपी वगैरह है, अगर आप पहले से एक सर्विस मैन हो तो आपको पीपीओ नंबर चाहिए होता है, डिस्चार्ज बुक का हो, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, हाई स्कूल चल जाता है। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट वगैरह अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपको दिखा सकते हैं। तो बाकी ये सब छोटे छोटे पॉइंट थे, आपको देख लेना, जो आपको भेजना है वो इसी एड्रेस पे भेजना है, कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल वेस्ट वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर पंचकुला हरियाणा, यहीं पर भेजना है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर मे बी नेगेटिव मार्किंग इन द, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है जो भी वहाँ पर एग्जाम है। तो यहाँ पर रिजेक्ट क्या कर दिया जाएगा, अगर आप 45 दिन के अंदर नहीं भेजा जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, देख लेते हैं पेपर कैसा होगा। तो पेपर इसमें यहाँ पर जो पेपर है तो उसमें जनरल इंटेलिजेंट और जनरल रीजनिंग आएगी, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा, मल्टीपल चॉइस में ही है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। उसके बाद जनरल इंग्लिश आएगा, आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। और आपका मैथ आएगी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मतलब कि 50 50 100 और 100 और ये 150 150 क्वेश्चन आएंगे आपको, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 नंबर का पेपर होगा। पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। और जो आपकी पोस्ट है वो है वार्ड सहायिका और हेल्थ इंस्पेक्टर, जो आपको एज रिलेशन मिलता है वो मिलेगा सारी चीजें, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, तो निगेटिव मार्किंग के लिए पहले से तैयार रहें आप। तो अब मैं आप दिखा देता हूँ आपको फॉर्म कैसा है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां मैं आपको फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा और इसको भर लेना है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जैसे कि आप जैसे कि वार्ड सहायिका में भरना चाहते हैं तो यहाँ वार्ड सहायिका लिख देंगे आप, कैपिटल लेटर में लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर नंबर लिखना है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है ये 9 अप्रैल टू ये वो सब। उसके बाद डेट वगैरह लिखना है, यहाँ पर कमांड हॉस्पिटल ये सब लिखा हुआ है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है, अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पर नाम लिखना है हिंदी में, जैसे राज लिखना है, राज हिंदी में लिखना है, और उसके बाद राज इंग्लिश में लिखना है। और यहाँ पर फादर पिता पिता का नाम लिखना है, सारी चीज़ें लिखनी है, और आपको यहाँ भर देना है पूरी तरह से, फिल करते हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर इस फॉर्म को पोस्ट भी कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इतनी सब चीज़ों को पूरा कर लेना है, यहाँ पर थंब वगैरह लगा देना है, और आपको भर के भेज देना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको 70 वैकेंसी आई हुई है, तो आप बिल्कुल भी लेट ना करें, जैसे ही वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही अप्लाई कर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, वहाँ मैं आपकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे रेड कलर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको जरूर प्रेस कर देना अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से। तो अलविदा लेता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।